मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें एमपी तक, साथ ही नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सत्तावन में पूरा देश सुलग रहा था। देश को आजाद कराने की बेचैनी हर क्रांतिकारी के जहन में थी। इसके लिए क्रांतिकारी किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मेरठ से शुरू हुई क्रांति की ज्वाला पूरे देश में फैल रही थी। यूपी, दिल्ली, मेवाड़ होते हुए बगावत की ये चिंगारी सीहोर तक पहुंच गई थी। जिस वक्त सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस वक्त भोपाल रियासत में बेगम सिकंदर का शासन था। बेगम को अंग्रेजों का वफादार माना जा रहा था। 1 मई 1857 में सेना में एक बगावती पोस्टर की कॉपी बांटी गई थी, जिसके बाद विद्रोह की ज्वाला और भी भड़क गई। हालात को बिगड़ता देख सीहोर में रहने वाला अंग्रेजों का पॉलिटिकल एजेंट मेजर हेनरी विलियम्स रिकॉर्ड्स और उसके अंग्रेज सहयोगी ने शहर छोड़ दिया। हालांकि शहर छोड़ने से पहले हेनरी विलियम्स ने फौज का पूरा चार्ज भोपाल रियासत को दे दिया। 1 अगस्त 1857 को यहां मौजूद छावनी में सैनिकों ने हाजिरी लगाई, जिसके बाद उन्हें नए कारतूस दिए गए। इसी दौरान छावनी में मौजूद पूरी सेना में ये बात फैली कि कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी लगी है। इसके बाद सैनिक भड़क गए, बगावत शुरू हो गई। हालांकि बगावत का नेतृत्व कर रहे सिपाही महावीर कोट को इस दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इस बात की जानकारी होते ही सैनिक हथियार लेकर बैरक से बाहर आ गए और वहां मौजूद अंग्रेजों को खदेड़ डाला। यूनियन जैक को उतार कर उसे आग के हवाले कर दिया। महावीर कोट और वली शाह के संयुक्त नेतृत्व में स्वतंत्र सिपाही बहादुर सरकार का ऐलान किया गया। ये देश की पहली स्वतंत्र सरकार थी। महावीर कोट ने दो झंडों के नीचे सरकार स्थापित करने को कहा, जिसमें पहला झंडा निशाने महावीर जो भगवा रंग का प्रतीक था और दूसरा निशाने मोहम्मदी कहलाया गया जो हरे रंग का था। हालांकि ये स्वतंत्र सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और इस सैनिक विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड को ह्यूरोस को बुलाना पड़ा। हीरोज एक बड़ी सेना को लीड करते हुए सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स को लीड करते हुए इंदौर के रास्ते सीहोर पहुंचा। हीरोज को मुंबई के रास्ते झांसी पहुंचना था, लेकिन उसे पता चला कि सीहोर में सैनिकों ने विद्रोह कर एक स्वतंत्र सरकार बना ली है, तो उसने अपना रास्ता बदल दिया। हीरोज ने यहाँ के सैन्य विद्रोह को अपनी मजबूत सेना से कुचल डाला। इतिहासकारों की मानी जाए तो इस दौरान काफी संख्या में आजादी के मतवाले शहीद हुए थे। कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया था तो कुछ को जेल में बंद कर दिया गया। सभी 356 क्रांतिकारियों को हीरोज ने फांसी देने का हुक्म सुना दिया, जिन्हें चांदमारी के मैदान में सूली पर लटका दिया गया। इन क्रांतिकारियों ने अपनी जान देश पर न्योछावर कर दी, लेकिन उनकी जलाई क्रांति की लौ ज्वाला बनकर देशवासियों के सीने में धधकती रही।